दर्शन में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं परम पूज्य गुरु जी, जो साकेत धाम सूरत से प्रयाग की पावन धरती पे आए हैं। पूज्य श्री से आशीर्वचन लेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं के साथ साथ कुछ मार्गदर्शन धर्म विषयों पे लेंगे। आइए सीधे गुरु जी से मिलते हैं। पूज्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल की तरफ से सादर प्रणाम है। क्या कुछ मार्गदर्शन करेंगे इस पतित पावन धरती से? कुंभ की महात्म अगर देखा जाए तो धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ वर्णित है, आप क्या कुछ आशीर्वचन देंगे? सर्वप्रथम तो हम प्रयागराज तीर्थराज, हम इस भूमि को कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं। ये पृथ्वी के ग्रंथों तक नहीं बल्कि देवलोक तक इस भागीरथी के तट पर विकसित प्रयागराज का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ की भूमि को, यहाँ की नगरी को, गंगा मैया को, यहाँ के लोगों के साथ साथ अब आप लोगों को भी हम अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। आपने कहा यहाँ के विषय में महात्म्य और कुंभ मेले के विषय में मार्गदर्शन, दो शब्द शायद आपके भी मेरे पास आए हैं। महात्म्य तो शायद आप अभी तक बहुत सारे संत महंतों से भी मिले होंगे, सबने बताया होगा, हमारे ग्रंथों में भी दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं भी इस पर अगर प्रकाश डालूं तो समुद्र मंथन जिस समय हुआ था तो विचित्र विडम्बना हमारे ग्रंथों की रही है। सुरा यानी दारू जिसको कहते हैं, मदिरा, वह भी उसी में निकली। उसकी भी सुंदरता उतनी ही थी जितनी कि लक्ष्मी जी की। कुल 14 रत्न निकले थे, उन 14 में से 20 भी उसी में निकला भयंकर, और अमृत भी उसी में निकला। तो ज्यादा लंबी कहानी नहीं, देवताओं को क्या मिला, असुरों को क्या मिला, ऐसे करके इसके महात्म के विषय में आता कि उस, आपने शायद थोड़ा देखा भी होगा कि शंकर भगवान को तो जहर पिला दिया गया, भाई बच नहीं रहे थे लोग, मर जाते, उन्होंने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, पी करके मस्त हो गए। बचा अमृत तो पीछे राहु नाम का एक राक्षस बैठा था, वो उठा करके घड़ा पीने ही लगा सीधा। तो हमारे एक पौराणिक कथा आती है कि चंद्रमा को, सूरज को, राहु केतु, जो ग्रहण होता है ना ग्रहण, उसी का परिणाम बताते हैं कि चंद्रमा ने देख लिया कि वो जो है अमृत पिए जा रहा है, उसने संकेत किया, तो विष्णु भगवान ने चक्र छोड़ दिया, उसका गर्दन काट दी, उसके दो टुकड़े हो गए। तो उसको एक को राहु कहते हैं और दूसरे को केतु कहते हैं। वही बताते हैं कि अभी चंद्रमा से अपना बदला लेता है, वैज्ञानिक जो भी कारण हो, वैसे तो वैज्ञानिक तो सही में कुछ ये हमारी पृथ्वी और इसकी सौरमंडल की जो भौगोलिक संरचना है, इन्हीं के चलने से, इन्हीं की चाल का मतलब है जो ग्रहण वगैरह होते हैं। तो उसके बाद में उस अमृत को आपस में छीना झपटी होने लगी, तो गरुण जी विष्णु भगवान के वाहन थे, उसको लेकर के भागे, और पीछे पीछे देवता और दैत्य भी भागे। तो जहां जहां वो अमृत कुंड रखा गया वहां कुछ अमृत की बूंदें छलक गई। तो वो चार जगह है, ये प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो जहां जहां वो अमृत की बूंदें गिरी हैं वहां वहां पर कुंभ, उसको भी कुंभ बोलते, इसका नाम कुंभ क्यों दिया गया कि वो अमृत कुंभ था जहां जहां रखा गया, इसलिए इसको नाम कुंभ दिया गया। अब अमृत कौन नहीं चाहता है भाई। वैसे भी ये जो गंगा मैया है, पिक्चर वाले भी लोग गीत गाते हैं, गंगा तेरा पानी अमृत, वैसे भी ये जल, और विश्व के सभी वैज्ञानिक भी माने हैं। अब मैं इस समय का नहीं कहता, लेकिन गंगा जल 50-50 वर्ष का अभी मेरे लोगों के पास गांवों में रखा है, 50 वर्ष पुराना, जैसे का तैसा है। तो इसलिए ये
कुंभ है लेकिन ये अमृत कुंभ है। यहाँ पर सच्ची श्रद्धा मन से, ईमानदारी से, पूरे भाव भक्ति से, एकाग्रचित से जो व्यक्ति यहाँ थोड़े भी दिन साधना कर लेता है, तपस्या कर लेता है, व्रत कर लेता है, पूजा कर लेता है, भक्ति कर लेता है, तो अवश्य उसके जीवन में कुछ न कुछ उज्ज्वलता, कोई न कोई आनंद और उसका मार्गदर्शन जरूर हो जाता है। यहाँ की जो अगर पौराणिक गाथाओं में जैसे आपने बताया यहाँ का जो प्रमुख मान्य है, इसके साथ साथ एक चीज और भी जानने की इच्छा व्यक्तिगत मेरे अंदर हुई है कि आखिर में यहाँ पे दान और स्नान का विशेष महत्व कहा जाता है, तो इसको हमारे दर्शकों तक सही मायने पहुंचे आपके माध्यम से क्या कुछ आदेश होगा? यहीं से कहानी शुरू हुई, यहीं से। अभी हमारे व्यास जी, आज राम कथा शुरू हुई है 9 दिन की, तो अभी अभी आप उस कथा को गा रहे थे। एक बार प्रयागराज की पुण्य भूमि को खूब सत सत नमन प्रणाम सूप करते रहे, बाद में कथा शुरू करके फिर वहीं आए तो भक्तों को कह रहे थे, वहां के लोग सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, पर मैं यहां पूरी कथा सुन रहा था। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि निज निज धाम सिधाए। मकर, ये मकर संक्रांति का जो महीना होता है, इस समय सूर्य की स्थिति मकर राशि में हो जाती है, इसका तब से महत्व है। भरद्वाज मुनि परम विवेकी, जागबलिक राखे पद टेकी। उन्होंने अपने गुरु यागबलिक को पैर पकड़ के बड़ी वंदना की और रखे, तो उन्होंने उनसे ये प्रश्न किया था कि महाराज राम क्या है, राम की कथा मुझे को सुनाओ। जानते थे वो सब, लेकिन विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उनके गुरुजी ने भी कहा है, मैं जान गया तुम्हारी चतुराई, कीने प्रश्न मनो अति मूढ़ा, तुमने मूर्ख जैसा प्रश्न किया लेकिन तुम बहुत चतुर हो। तो यहां से जो कथा शुरू हुई उसमें एक चीज लिखी गई है कि प्रगट चार पग धर्म के, कल महु एक प्रधान, ये न केन विधि दीने, दान करे कल्याण। चार पग बताए धर्म के, उनमें से एक कलयुग में बहुत प्रधान बताया, किसी भी प्रकार हो जाए वो दान कल्याणकारी है। अब यूं कहते सोने में सुहागा, दान तो कल्याणकारी है ही है, लेकिन प्रयागराज की भूमि माघ मकर का पुण्य अवसर, ये स्थिति मकर वाली स्थिति सब समय में नहीं होती है, और इतने बड़े यहां पर जानते हो कितने भगवान होंगे, अनेक भेष में संत, संत के भेष में अनेकानेक देवी देवता भी यहां पर आते हैं, ऐसा रामायण में लिखा है कि देवता भी मनुष्य का भेष बना करके यहां आते हैं। देव धनुज नर किन्नर सेनी, सादर मंज सकल त्रिवेणी, आदर के साथ सभी त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते, हम नहीं पहचान पाते लेकिन वह भी आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में दान करना या ऐसी स्थिति में पुण्य का कोई भी कार्य करना विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहां पर जो अभी पुण्य का दान का जो महत्व है वो दूसरे अवसर की अपेक्षा अभी ज्यादा महत्व रखता है, विशेष है। एक श्लोक से मैंने भी सुना चौपाई से कि माघ मकर रविगत जब हो तीर्थ पति आव सब कोई, यहाँ से जो मतलब स्नान और यहाँ का महत्व तो शुरू होता है, तो मैं कई पूज्यश्री से ये पूछ नहीं पाया और आज मुझे सो अवसर एक प्राप्त हुआ कि आखिर में जब शुरुआत इस दोहे से हो रहा है इस महा आयोजन का, तो आखिरी में हालांकि किसी धर्म का कोई भी आयोजन समाप्ति की तरफ नहीं होता है, संपन्न होता है, तो इसके आधार पे आखिरी स्नान क्या कुछ इसके लिए भी कुछ गतिविधियां होती है या कुछ विशेष श्लोक दिए गए हैं कि यहाँ पे जैसा आपने कहा कि कई मतलब कितनी कोटि देवता यहाँ पे आए हुए हैं, तो समापन का जो संपन्न का कुछ ऐसा है जो उसमें आप मार्गदर्शन करेंगे? इसमें क्या होता है कि हमारे संत महात्माओं के विधान से हमारे मुख्य तीन, किसी भी कुंभ में तीन मुख्य पर्व होते हैं, वो भी सूर्य की गति,
और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार। उसमें जिस तरह से पहला हमारा शाही स्नान, उसका भी समय होता है, वो 15 जनवरी को हो गया मकर संक्रांति के हिसाब से। अब दूसरा जो है वो है 4 फरवरी मौनी अमावस्या, वो उससे भी विशेष है। मौनी अमावस्या तो है ही है, वो कभी भी आ जाती है, लेकिन उस दिन सोमवार भी है, उस दिन सोमवार भी है, सोमवती मौनी अमावस्या है ये। हमारे यहाँ गंगा स्नान के लिए अगर सोमवार को वैसे भी अमावस्या आ जाए ना, तो सोमवती अमावस्या कह के लोग लाखों कुंभ वैसे ही बन जाता है, ये तो डबल हो गया। तो ये स्नान महत्वपूर्ण। तीसरा जो बसंत पंचमी है, एक महीने के अंदर में जो 3 पर्व आते हैं वो हमारे मुख्य शाही स्नान जिसको बोले जाते हैं संत महात्माओं की दृष्टि से, वैसे और सभी लोग स्नान करते ही हैं। अब रही बात संपन्नता की, ये हमारे 3 स्नान होने के बाद में वो पूरा जो समय है, क्योंकि मकर का जो सूर्य होता है 25 दिन का होता है, मकर में सूर्य कितने दिन रहेगा, 25 दिन ही रहेगा, 26वें दिन बदल जाएगा, तो वो 25 दिन में ही ये 3 स्नान आएंगे। आप देख लीजिए, 15 को हुआ पहला और ये 10 को हो जाएगा लास्ट, हो गए 25 दिन। इसलिए ये मकर के सूर्य में हमारे 3 शाही स्नान मुख्य पर्व हो गए, हमारा वो कार्य संपन्न हो जाता है। उसके अतिरिक्त जो कल्पवासी लोग हैं वो 1 महीने का पूरा अपना कल्पवास करते हैं, उनका पूनम से पूनम तक चलता है, तो पूनम को शुरू हुआ 20 तारीख से, तो 20 फरवरी तक चलेगा, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है, वो अपना पूनम को विसर्जन करते हैं तो उनका पूनम तक चलेगा। लेकिन इस समय पर महाशिवरात्रि भी नज़दीक में ही है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है मेला वालों ने कि 4 मार्च का एक स्नान महाशिवरात्रि का। तो 4 मार्च तक मेला रखा। मेरे विचार से हमारा जो कार्य है वो 10 फरवरी बसंत पांचम को पूर्ण हो जाता है। बाकी तो इलाहाबाद में तो भाई विश्व के लोग केवल कुंभ में आ रहे, ऐसा नहीं, आप लोग इस धरती पर रहते हो जानते हो कि पूरे वर्ष आते रहते हैं, ये तो तीर्थ राज है। मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज बहुत मंगलदाता होता है, तो एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है कि जो जग जंगम तीर्थ राजू, यानी तीर्थ राज जितना महत्वपूर्ण है उस तरह से समाज साधुओं का जो है, साधुओं के समाज की तुलना तीर्थ राज से की गई है। इसलिए इसका संपन्न जो है ना हमारे मकर में जो महत्व मकर राशि का है। पूछिए, हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं कुंभ दर्शन के माध्यम से, आप श्री का आशीर्वचन हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जो इस महासमागम में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ आशीर्वचन और हमारे इस कार्यक्रम के लिए कुछ आशीर्वचन। देखिए, जो नहीं आ पा रहे हैं, मेरे विचार से उनके लिए पूछोगे कि सबसे परम पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण, सारे ब्रह्मांडों का आश्रय स्वरूप, सारे ब्रह्मांडों का संचालक जो परमात्मा है, वो हर समय हर जगह हर एक के लिए उपलब्ध है। अगर यूं करके आप देखेंगे तो कोई पापात्मा यहां आकर के दुराचार कर रहा हो और वो सोचे कि प्रयाग में आ गया तो कल्याण होगा, कदापि नहीं होगा, उतना ही भयानक दंड दिया जाएगा। अगर कोई पुण्यात्मा अपने घर पर भी बैठा है और उस पुण्यात्मा से इसका चिंतन भी करता है, प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, गंगा स्नान लोग कर रहे हैं, अपने कुएं पर भी अपने बाल्टी से स्नान कर रहा है, तो मैं मानता हूं उस परमात्मा के शरण और सानिध्य में वह कुछ कम नहीं होगा। जो नहीं आ पाए उन लोगों को कोई ऐसा सोचने का या खेद करने का, शोक करने का विषय नहीं है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से जब देखा जाएगा, अभी हमारे व्यास जी बोल रहे थे कि सोने के चक्कू से काटो या लोहे कैसे, हमारे किसी भगत को पूछ रहे थे, बोले सोने कैसे काटेंगे तो क्या होगा, तो मैं सोच रहा था कहीं यूं नहीं कह दे कि उससे नहीं मरेगा। अगर पुण्य पाप, अगर लोहे की हथकड़ी या वेड़ी या हथियार है, तो सोना
की बेड़ी हथियार है पुण्य, क्योंकि अगर आपका अटैचमेंट पुण्य में भी हो गया तो भी आप पार नहीं हो सकते, आपको इन दोनों से ही पार निकलना होगा, ना अहंकार होगा ना कोई लगाव होगा। इसलिए जो लोग नहीं आ पाए खेत का वैसा नहीं, वहीं पर परमात्मा का चिंतन करें, वहीं पर अपने पुण्य कार्यों को करें, वहीं से अपने कर्तव्य कर्मों को चालू रखें, तो उनको भी वही फल प्राप्त होगा जो यहाँ पर लोगों को प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों, हम इसी तरह से पूज्य के आशीर्वचन आपको पहुंचाते रहेंगे। हमारे यहाँ कार्यक्रम कुंभ दर्शन लगातार अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग महाराष्ट्र से आशीर्वचन यहाँ के महात्म को लेकर के और धर्म ग्रंथों के सदविचार को लेकर के लाता रहेगा। आज के लिए यहीं पे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जय प्रयागराज।